अखिल भारतीय विज्ञान तकनीकी परिषदों का राष्ट्रीय कॉन्क्लेव आज से जयपुर में शुरू होने जा रहा है। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का सीएम राजे उद्घाटन करेंगी। कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जयपुर पहुंच गए हैं। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ सहित अन्य कई लोग मौजूद रहेंगे। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। जी विजय, इस कॉन्क्लेव में क्या कुछ खास रह सकता है? ठीक है, मैं आपको बता दूं, आज के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहले से ही आईटी को लेकर, आईटी सेक्टर को लेकर जोर देती रही है। राजस्थान में हालांकि उनका इन्वेस्टमेंट पर पूरा जोर रहा है और आईटी के सेक्टर को भी बहुत गंभीरता से ले रही है। और जो राजस्थान समिट आयोजित होने जा रहा है नवंबर में, उसमें भी आईटी कंपनियों को उन्होंने न्योता दिया है सीधे तौर पर। और इसको लेकर ये कॉन्क्लेव जो आयोजित हो रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं उसका कोई रोल रहेगा। तो कई काफी डेलीगेशन भी आएंगे, अलग अलग जगहों से डेलीगेशन आए हैं। साथ ही जो केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इसको एड्रेस करेंगी। मुख्यमंत्री का फोकस ये रहेगा कि जो आने वाले दिनों में राजस्थान में आईटी सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा मिला। उन्होंने अभी हाल ही में एक सेमिनार के दौरान जैसा कि बोला था कि भले ही बेंगलोर को आईटी के सेक्टर में सबसे नंबर वन माना जाता हो, लेकिन राजस्थान एक ऐसा जो ऐसी जगह है जहां पर इन्वेस्टमेंट के सबसे ज्यादा चांसेज है। उन सभी क्या बेंगलोर की कंपनियों से देश से बाहर की कंपनियों, सभी जो देशी विदेशी कंपनियों को जो अवसर है, जो निवेश के अवसर है, वो राजस्थान उपलब्ध करा रहा है और एक बहुत अच्छी पॉलिसी के साथ उपलब्ध करा रहा है। तो मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर यहाँ पर जो चर्चा करेंगी, जो एड्रेस करेंगी, अपना संबोधन देंगी, उसमें यही बात सबसे ज्यादा फोकस में रहेगी कि प्रौद्योगिकी का विकास हो यहाँ पर और तकनीक का विकास हो राजस्थान में, और इसका विकास इन्वेस्टमेंट के जरिए हो, ताकि राजस्थान में जो एक नया कल्चर डेवलप हो, राजस्थान में आईटी सेक्टर को का विकास हो और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। विजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि हमारे संवाददाता विजय बता रहे थे कि आईटी का विकास इस कॉन्क्लेव का प्रमुख एजेंडा रह सकता है। मुख्यमंत्री